प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे, विकास की असमानताएं। भारत में धार्मिक, भाषाई, शैक्षिक, जाति, वर्ग आदि की असमानताओं के साथ साथ क्षेत्रीय विकासीय असमानताएं और विषमताएं भी विद्यमान हैं। भारत में आजकल 35 प्रदेश हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से इसमें अनेक असमानताएं हैं, जिसे दो भागों अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय असमानताओं में बांटकर देख सकते हैं। अंतर्राज्यीय असमानता से तात्पर्य है विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के बीच असमानताएं, तथा अंतर्राज्यीय असमानताओं से तात्पर्य है एक ही राज्य या प्रदेश के विभिन्न खंडों, जिलों या प्रादेशिक इकाइयों के बीच असमानताएं। अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने आर्थिक विकास के मापदंड के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा है कि भारत में विभिन्न राज्यों को उनके विकास के स्तरों और विकास की दरों के आधार पर भद्र राज्यों एवं शुद्र राज्यों में बांट दिया गया है। भद्र श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत अविकसित तथा पिछड़े प्रदेश रखे जाते हैं। भारत के मध्य में स्थित प्रदेश बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े और अविकसित क्षेत्र हैं, तथा भारत की दूर सीमाओं पर स्थित राज्य पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्य आर्थिक विकसित हैं। विकास के दृष्टिकोण से भारत में क्षेत्रीय असमानताओं का झगड़ा केंद्र सीमा विवाद के रूप में विद्यमान है। देश के विभिन्न राज्यों में असमानताओं को विकासीय योजनाओं के द्वारा दूर करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विकास की योजनाओं के द्वारा विकसित और अविकसित राज्यों की असमानताओं के अंतर को समाप्त करके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सामंजस्यता स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए समय समय पर विकास योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम आदि बनाने होंगे, तथा क्षेत्रीय और वर्गीय समानता तथा सामंजस्य को स्थापित करना होगा। भारत में क्षेत्रीय असमानताओं के कारण यह समाज शास्त्र में महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक। समाज वैज्ञानिकों के भारतीय असमानताओं के अध्ययन के लिए 6 संकेतक निर्धारित किए हैं। नंबर 1 है प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता एवं बेरोजगारी संकेतक। नंबर 2 कृषि संकेतक। नंबर 3 औद्योगिक संकेतक। 4 आधार ढांचा संकेतक। 5 सामाजिक सेवाओं एवं प्रगति संबंधी संकेतक। नंबर 6 राज्यवार वित्तीय साधन आवंटन संबंधी संकेतक। अब इन 6 संकेतों के आधार पर भारत के राज्यों की असमानताओं का विवेचन किया जाएगा। नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता एवं बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय असमानताएं। भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय के अनुसार क्षेत्रवार राज्यों में बहुत अधिक असमानताएं हैं। भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय के अनुसार पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। निर्धनता के आधार पर भारत में अंतर्राज्यीय असमानताएं निम्न हैं। 1983 में उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में 50% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। राज्यों में बेरोजगारी प्रतिदृश्य स्पष्ट करता है कि इनमें कितनी असमानताएं हैं। सबसे अधिक बेरोजगारी केरल में 99 में से लेकर 2000 में 20.97% देखी गई। देश में बाल श्रम के असमानताओं के आधार पर आंध्र प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। नंबर 2 कृषि संकेतक एवं क्षेत्रीय असमानताएं। खाद्य उत्पादन 91 से 92 से 94 से 95 की अवधि में भारत में
खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का 20.7% उत्तर प्रदेश में हुआ और केरल राज्य में मात्र 0.6% ही हुआ। समस्त भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन का लगभग 60% पैदावार 6 राज्यों पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश एवं बिहार को मिलाकर हुआ। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि देश में राज्यवार खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत असमानताएं हैं। नंबर 3, उर्वरकों का उपयोग और असमानता। उर्वरकों के उपयोग के दृष्टिकोण से भी राज्यवार असमानताएं निम्नानुसार हैं। देश में प्रति हेक्टेयर 94 से 95 में उर्वरक उपयोग 75.7 किलो था। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपयोग सर्वाधिक 174.7 किलो पाया गया। आसाम में न्यूनतम 9.5 किलो ही था। नेक्स्ट पॉइंट, सिंचित क्षेत्र और असमानता। 91 से 92 में समस्त भारत में सिंचित क्षेत्रफल समस्त कृषिगत क्षेत्रफल का औसत 35% था। सिंचित क्षेत्रफल के अनुसार विभिन्न राज्यों में निम्न असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जहां पंजाब में सिंचित क्षेत्रफल औसत सर्वाधिक 94.6% है, वहीं केरल में यह न्यूनतम 12.8% पाया गया। इस प्रकार से ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच काफी असमानताएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक संकेतक एवं क्षेत्रीय असमानताएं। औद्योगिक सूचकांक के अंतर्गत अर्थशास्त्री निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं, कर्मचारियों की संख्या, फैक्ट्रियों की संख्या, फैक्ट्री में लगी पूंजी का परिमाण, उत्पादन का मूल्य व शुद्ध जोड़ा गया मूल्य। नेक्स्ट पॉइंट, आधार ढांचे संबंधी सूचकांक एवं क्षेत्रीय असमानताएं। क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन आधार ढांचे संबंधी सूचकांकों के अनुसार किया जा सकता है। समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री आधार ढांचे सूचकांक के अंतर्गत मुख्यतः नंबर 1 प्रति व्यक्ति बिजली के उपयोग, नंबर 2 साक्षरता की दर, नंबर 3 शिशु मृत्यु दर को लेते हैं। क्षेत्रीय असमानताओं के कारण। क्षेत्रीय असमानताओं के निम्न कारण हैं: प्राकृतिक साधनों में अंतर, आर्थिक साधनों में अंतर, सामाजिक पिछड़ापन, विनियोग की मात्रा में अंतर, योजनाओं की प्रगति में अंतर, जनता के दृष्टिकोण एवं सहयोग में अंतर। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है प्राकृतिक साधनों में अंतर। क्षेत्रीय असमानताओं का प्रमुख कारण प्राकृतिक संसाधनों में अंतर का होना है। किसी प्रदेश की जलवायु, वर्षा, भूमि की उर्वरता, वन संपदा, खनिज पदार्थ, नदियां आदि दूसरे प्रदेश से भिन्न तथा अनुकूल या प्रतिकूल होती हैं। जिन राज्यों में जैसे पंजाब की स्थिति अनुकूल है, वहां पर पैदावार अच्छी होती है। राजस्थान की विपरीत स्थिति होने के कारण वहां पैदावार अच्छी नहीं होती। नंबर 2, आर्थिक साधनों में अंतर। पंजाब में पैदावार अच्छी होती है, वहां की आर्थिक स्थिति उत्तम है। राजस्थान में पैदावार वर्षा की अनिश्चित और अनियमितता के कारण अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए वहां की आर्थिक स्थिति अकाल और सूखे की रहती है। नंबर 3, सामाजिक पिछड़ापन। भारत के विभिन्न राज्यों में असमानता का एक कारण सामाजिक पिछड़ापन भी है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो आर्थिक दृष्टि से विकसित हैं, परंतु सामाजिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों की मिलती हैं। गुजरात औद्योगिक दृष्टि से उत्तम राज्य है, परंतु सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। केरल राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में काफी विकसित है, परंतु निर्धनता और बेरोजगारी की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। नंबर 4, विनियोग की मात्रा में अंतर। क्षेत्र के विकास पर विनियोग की मात्रा का सीधा प्रभाव पड़ता है। देश के बंदरगाह वाले प्रदेशों, निर्यात करने वाली फसलों की पैदावार वाले राज्यों, सैनिक दृष्टि से महत्व रखने वाले क्षेत्रीय राज्यों में प्रारंभ से ही भारी मात्रा में विनियोग किए गए हैं, उससे उसका विकास हुआ है तथा इन विशेषताओं से वंचित जिले राज्यों में विनियोग नहीं किया गया वो पिछड़ गए, इससे राज्यों की असमानताओं में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट, योजनाओं की प्रगति में अंतर। पंचवर्षीय योजनाएं सभी राज्यों में चलाई जा रही हैं, परंतु उसके
परिणामों में भारी अंतर देखा जा सकता है। प्रगति एक सी नहीं है, इसका कारण राजनीतिक और प्रशासनिक अंतर का होना है। कुछ राज्यों में अधिक उत्साह और जागरूकता के कारण अच्छा विकास किया है तथा कुछ पिछड़ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनता के दृष्टिकोण एवं सहयोग में अंतर। क्षेत्र के विकास में वहां के निवासियों के विचार, दृष्टिकोण, परंपराएं, सहयोग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि का प्रभाव भी पड़ता है। जिन राज्यों में प्रगतिशील जनता होती है, अन्य परिस्थितियां समान होने पर भी विकास कर लेती है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं होने पर भी उसने विश्व में अपना स्थान बना लिया। उसका कारण वहां के उद्यमी नागरिक हैं। क्षेत्रीय असमानता में जनता के गुण एवं सहयोग भी उतने ही उत्तरदायी होते हैं जितने अन्य कारण। विकास उत्प्रेरित विस्थापन। हमारे देश में विकास के दृष्टिकोण में क्षेत्रीय असमानताएं हैं। इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर या कम करने के लिए अल्प विकसित क्षेत्रों का विशेषज्ञ ध्यान रखकर उनका योजनाबद्ध विकास करना आवश्यक है। अविकसित क्षेत्र के लोगों को विकास के प्रति जागरूक करना, उन्हें अपना विकास करने के लिए प्रेरणा देना, विकास योजनाओं में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार करना या जोर देना आदि उत्प्रेरित विस्थापन कहलाता है। विस्थापन से तात्पर्य है उनको नवीन उत्पादन के साधन प्रदान करना, कम निपुण उपकरणों के स्थान पर अधिक उत्पादन वाले उपकरण देना। सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना से अब तक क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए निम्न प्रयास किए हैं जो उत्प्रेरित विस्थापन कहलाते हैं। नंबर एक, आधार ढांचे के विकास को महत्व देना। नंबर दो, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम चलाना। नंबर तीन, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रेरणाएं प्रदान करना। नंबर चार, पिछड़ेपन के आधार को मान्यता देना। अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर एक, आधार ढांचे के विकास को महत्व देना। क्षेत्रीय असमानता के अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार ने सिंचाई, परिवहन, संचार और बिजली जैसे साधनों के विकास को प्राथमिकता पर रखा है। आधार ढांचे को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए सरकार ने विगत वर्षों में औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया है। इन औद्योगिक केंद्रों से पानी, बिजली, सड़क, संचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं के विकास के आधार को मजबूत करने के लिए दृढ़ता प्रदान की गई है। नंबर दो, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम। सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं। ये कार्यक्रम है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए हैं। नंबर तीन, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रेरणाएं प्रदान करना। पिछड़े राज्यों में विकास को करने के लिए सरकार ने 1968 में दो दल, पांडे कार्यकारी समिति और वांचो कार्यकारी समिति नियुक्त की। पांडे समिति ने इन क्षेत्रों को निर्धारण और चयन विकास के लिए निम्न सुझाव दिए। जिन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, फैक्ट्रियों में श्रमिकों की संख्या, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, सड़कें एवं रेलों की लंबाई आदि सूचकांक की कमी हो, उन्हें पिछड़े क्षेत्र माना जाए। वांछू कार्यकारी समिति ने सुझाव दिए कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर, आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क एवं बिजली बिक्री करों में छूट दी जाए और परिवहन सब्सिडी भी दी जाए। सरकार ने इन सुझावों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय पूंजीगत विनियोग सब्सिडी की योजना लागू की। सरकार ने सब्सिडी तथा विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए जिलों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया और उसी के अनुसार सब्सिडी की विभिन्न दरें 10%, 15% और 25% लागू की गई। नेक्स्ट, पिछड़ेपन के आधार को मान्यता। क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया। विकास करने से पूर्व पिछड़ेपन की अवधारणा को भी परिभाषित किया। सरकार ने पिछड़ेपन को दूर करने की नीति को स्वीकार किया। केंद्रीय सरकार ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों एवं स्वीकृतियों में पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखने की नीति अपनाई। वित्तीय हस्तांतरणों में पिछड़ेपन के आधार को उचित भाग देने
एवं विकास करने की नीति अपनाई। पिछड़े राज्यों के विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए। केंद्र सरकार ने अनेक योजनाओं के द्वारा पिछड़े राज्यों को अपना विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा विस्थापन के लिए अनेक सुविधाएं भी प्रदान की। विस्थापन के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों को खेती करने के नए साधन, अधिक पैदावार के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई के नवीन विकल्प प्रदान किए। केंद्र सरकार ने अनेक प्रेरणादायक योजनाएं समय समय पर चलाई। बेरोजगारी की असमानता को दूर करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों की स्थिति में सुधार आया। भारत सरकार ने बाल श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों की नियुक्ति पर रोक लगाने का सुझाव दिया। बच्चों के काम करने संबंधी स्थितियों को विनियमित करने के लिए कहा। अधिक बाल श्रमिकों का उपयोग करने वाले 13 राज्यों में इस समय लगभग 100 राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं चल रही हैं। निर्धनता में गिरावट की दरों तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की निर्धनता अनुपात में व्यापक अंतरराज्यीय असमानताओं को देखा जा सकता है। मुख्य राज्यों के अंतर्गत उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में 1983 में 50% से अधिक बंगाल ने अपने निर्धनता अनुपात जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। इन प्रयासों के द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विभिन्न संकेतों को प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता की समाप्ति, सभी को रोजगार, कृषि के क्षेत्र में खाद्य उत्पादन की समानता, उर्वरकों का अधिकतम उपयोग, सिंचित क्षेत्र में समानता के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति बिजली के उपयोग और साक्षरता में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर नियंत्रण, सभी राज्यों में समान रूप से रेलों व सड़कों का निर्माण, पाठशालाओं, अस्पतालों, बैंकों की समान रूप से सुविधाएं प्रदान करना, मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत के सभी राज्यों एवं संघ राज्यों का उच्च एवं समान स्तर लाना है। धन्यवाद।